को सपोर्ट करने के लिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है CA NRC के खिलाफ, तो जो शाहीन बाग दिल्ली में है, हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के हर शहर में, तकरीबन बहुत सारे शहरों में हम देख रहे हैं कि शाहीन बाग, वहां पर भी उसको नाम दे दिया गया है। जहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, तो उसको भी शाहीन बाग नाम दे दिया गया है। मैं भोपाल से आया हूँ, भोपाल में भी आपको शाहीन बाग दिख जाएगा। मैं जब भोपाल से कलकत्ता आया और कलकत्ता से जब मैं टैक्सी में था, तो मैं पार्क सर्कस के जैसे निकला, तो बाग सर्कस पे पता चला कि यहां पर भी शाहीन बाग है। समझ रहे? तो मतलब सपोर्ट करने की जहां तक बात आ रही है, तो वो ये है कि हम जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा है, अगर हम पीसफुली अमनो अमान के साथ, किसी को परेशानी ना हो उस प्रोटेस्ट से, अगर हम दूसरे शहरों में भी प्रोटेस्ट करते हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री है हिंदुस्तान, यहाँ पर आप जो है अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं किसी भी कानून के खिलाफ, तो हिंदुस्तान का कानून आपको इस बात की आजादी देता है। लेकिन ये पीसफुली होना चाहिए, अमन अमान के साथ होना चाहिए, वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, और किसी को आपके प्रोटेस्ट से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो जहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो एक तरह का उसी को सपोर्ट किया जा रहा है, और अपनी बात जो भी CA और NRC के ताल्लुक से जो बातें हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से तकरीबन 12 से 13 स्टेट्स जो हैं, उन्होंने NPR को लागू करने के लिए वहां के जो CM है, चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने मना कर दिया, और उसके में बंगाल भी शामिल है कि हम यहां पर NPR लागू नहीं होने देंगे। तो क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरियत है, जो मेजॉरिटी चाहेगी वो होगा। इसी वजह से जब लोगों ने देखा, हुक्मरानों ने देखा कि हवा कुछ और चल रही है, हवा का रुख किसी और तरफ है, और ऐसा ना हो कि अगले इलेक्शन में हम हमारी सीट चली जाए, तो इसलिए क्योंकि हवा CA NRC के खिलाफ है, तो 12-13 स्टेट के CMs ने, और भी स्टेट के CM शायद आगे आए, आगे उन्होंने क्या कहा कि हम NPR को लागू नहीं होने देंगे। तो ये लोगों की ताकत है, एक्चुअली जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, उतनी ही बात जो है आप हुक्मरान तक, अथॉरिटीज तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक आप पहुंचा पाएंगे मौसर अंदाज में। लेकिन इस प्रोटेस्ट को आप वायलेंट ना होने दें, इन प्रोटेस्ट को आप जो भी आप कर रहे हैं उसको पीसफुल ही रखें, इस प्रोटेस्ट से किसी को तकलीफ ना हो, आने जाने वालों को भी तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक रुक गया, ट्रैफिक जैम हो गया, तो उसको इस तरह से आप करें कि कम से कम लोगों को तकलीफ हो, और अपनी बात आप जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस तक पहुंचाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से जो है सब प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन एक और चीज का ख्याल रखिए, इन प्रोटेस्ट से कई पॉलिटिकल पार्टी भी फायदा उठाना चाहती हैं। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट तो नॉन पॉलिटिकल हो गया, वहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है, लेकिन उसके अलावा जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत सी जगह पर, हम देख रहे हैं कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से हटकर प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, उसको नॉन पॉलिटिकल रखना चाहते हैं, तो वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रूल कर रही हैं, वो ऐसा होने नहीं देती। वो कहती है कि आप हमारे अंडर में रहिए, हमारे अंडर में आप प्रोटेस्ट कीजिए, ताकि नाम भी हमारा हो और वोट बैंक हमारा चलता रहे। तो इसलिए मैं मुस्लिम नौजवानों से, जो मैंने आज की तकरीर में कहा कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज के मोहरे ना बने,
आप पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपको इस्तेमाल ना कर सके, पॉलिटिकल पार्टी आपका इस्तेमाल ना कर सके, ऐसा ना हो कि आपको एक्सप्लॉइट करे, ना लेफ्ट ना राइट, समझ रहे? लेफ्ट किसे कहते हैं, राइट किसे कहते हैं? तो ना लेफ्ट आपका इस्तेमाल करे मुसलमान नौजवानों का, ना राइट आपका इस्तेमाल करे मुसलमान नौजवानों का, क्योंकि इस्लाम जो है वो ना तो लेफ्ट है ना राइट है, इस्लाम स्ट्रेट है, स्ट्रेट सीधा सिरात अल मुस्तकीम, समझ रहे? लेफ्ट या राइट नहीं है इस्लाम, इस्लाम सीधा है, इसलिए इस्लाम को मजबूती से थामे रहिए मुसलमान नौजवान, ना लेफ्ट की तरफ झुकाव करिए ना राइट की तरफ झुकाव करिए, सीधे रहिए सीधे, समझ रहे? तो मुसलमान जो है इस्लाम उसके लिए ज्यादा जरूरी है, इधर उधर झुकाव इतना जरूरी नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए जो है आप शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कीजिए, अपनी आवाज उपमरा तक पहुंचाइए पीसफुल तरीके से, हम नौमान के तरीके से, उम्मीद करता हूँ। और प्रश्नों मेरा नाम अबू हफ्सा है, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ। सर इस वक्त के अबू लहब और अबू जहल को तो हम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, लेकिन इस वक्त के मुतीम बिन आदी कौन कौन है? भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इस वक्त के अबू जहल और अबू लहब वो तो हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन इस वक्त के मुतीम इब्ने अली कौन हैं? इसलिए तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि हमें जागने की जरूरत है, हमें आंखें खोलने की जरूरत है, गफलत से बाहर आने की जरूरत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतीम इब्ने अली को पहचान सकते हैं अपने जमाने में, तो हम क्यों नहीं पहचान सकते हो? आप देखिए मीडिया, कौन सा मीडिया क्या बात कर रहा है, कौन सा न्यूज एंकर क्या बात बोल रहा है, कौन सा पेपर, कौन सा आर्टिकल लिखने वाला क्या कह रहा है, किसकी आवाज उठा रहा है, किसकी आवाज लोगों तक जनता तक पहुंचाना चाहता है, किस तरफ उसका झुकाव है। तो मैं आपको जो है कोई गोली नहीं दूंगा, कोई टैबलेट नहीं दूंगा जिसे खाते ही आपको मुतीम इब्ने अली दिखाई देने लगेंगे, ये आपको खुद पहचानना है, ये बसीरत आप हर मुसलमान के अंदर आना चाहिए खुद ब खुद, और उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये शख्स मेरे लिए आवाज उठा रहा है, ये गैर मुस्लिम है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ये जुल्म के खिलाफ बोल रहा है। तो मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने नाम ले लिया तो अरे आसिफ भाई आपने तो कहा था ये मुतीम इब्ने अली, ये तो अबू जहल निकला, बात नहीं हो सकती। तो अभी फिलहाल हमें भी नजर आ रहा है कि कौन जुल्म के खिलाफ बोल रहा है, कौन खामोश है और कौन जुल्म कर रहा है। सब जाहिर है, ऐसा नहीं कि दूध का दूध पानी का पानी है। तो इसलिए अगर आपको फिर भी नहीं दिख रहा है तो जागने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि हम मुसलमान को अल्लाह ताला वो बसीरत दे कि हम आज के जमाने के जो मुतीम इब्ने अली हैं उन्हें हम पहचान सकें, उनको रिकग्नाइज कर सकें, उनसे मदद तलब कर सकें, और अल्लाह ताला का हम शुक्रिया अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आज के जमाने में भी ऐसे लोग बाकी रखे हैं जो जुल्म के खिलाफ धर्म को अलग करके उठा सकते हैं अपनी आवाज, और मुसलमानों का सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर उन पर जुल्म हो रहा हो। उम्मीद करता हूँ इस बात का जवाब। चलिए इधर से कोई सवाल करना चाहता है, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। पढ़ा से मेरे पेट अकाउंट में हेलो जी जी भाई बोलिए सुन रहे हैं। मेरे बैंक अकाउंट में 2.5 से 3 लाख रुपए का ऊपर जब जमा हो जाता है सरकार ने टैक्स काट लिया, तो उसी टैक्स से सरकार
आवाज सही नहीं है। और इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, इधर सामने आ जाइए। हेलो जी भाई बोलिए। जब मेरे बैंक अकाउंट में 2.5 से 3 लाख का ऊपर बैलेंस हो जाता है तो सरकार अकाउंट से टैक्स काट लेता है और उसी टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट गरीबों को कुछ कुछ करके मदद करता है, जैसे शौचालय बनाता है, गरीबों को भत्ता देता है और भी मकान बनाता है। तो इसका वायदा भी फिर लोग को जगह देना पड़ेगा देखिए आप लोगों से अपील की जाती है कि आप लोग जो सवाल कीजिएगा शेख को, वो उन्होंने जो तकरीर की है उसी मौजू पर सवाल कीजिए, मसला मसाइल का वो शेख जवाब नहीं देंगे। अगर मसला मसाइल पूछना होगा तो मुझसे पूछिएगा। तो भाई ने जो सवाल किया, ज़कात में लगेगा, निसाब में पहुंच जाए, टैक्स देना है अलग दीजिए लेकिन ज़कात देना पड़ेगा। चलिए कोई सवाल करिए, हो चलिए सवाल कीजिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि शादी के बाद पत्नी को पत्नी कैसा रहेगा ये तो पति का सब ध्यान देना पड़ेगा। इस्लाम के ऊपर जैसा चलना है तो पत्नी अगर इस्लाम से थोड़ा अलग चलेगा तो वो गाफिलती करता है जो, तो उसका पूरा जो भार होता है पति का होता है। तो बोलना चाहता हूँ कि पत्नी जैसा चलेगा इस्लाम के ऊपर, अगर नहीं चलेगा तो पति को क्या करना चाहिए? झगड़ा करना तो एक शैतान का काम होता है, तो इस्लाम के ऊपर जैसा अच्छा चलना है तो उसको क्या करना है भाई के हिसाब में? जो टॉपिक हमने कहा है मौजूद जो है उसी पर अगर आप सवाल करेंगे तो बेहतर होगा। शेख ने जो जिस मौजू पर तकरीर की है उसी मौजू पर आप सवाल कीजिए। ये अलग मौजू हो गया आपका, ये मसला मसाइल पर ये आपका सवाल हो गया। मसला मसाइल का जो सवाल करना हो तो दूसरा सवाल मुझसे कीजिएगा बाद में, अभी शेख से आप सवाल कीजिए उनके मौजू पर। अरे कोई काबिल कबूल है तो सवाल कीजिए ना, दूसरा कोई सवाल करना है तो कीजिए, हम आगे बढ़ाया जाएगा प्रोग्राम को, प्रोग्राम आगे बढ़ा देंगे, दोस्त के मुकरी ला ला के सामने बैठा देंगे। हाँ बस तो शुक्रिया सर, यहीं से प्रोग्राम आपका खत्म किया जा रहा है, अगले प्रोग्राम मुकर का प्रोग्राम होगा। ठीक ठीक, शुक्रिया, जजाक अल्लाह।